आज मैं आपके लिए जोधाबाई की कहानी लेकर आया हूँ। हम आपके लिए कम समय में पूरी कहानी पेश करने की कोशिश करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं जोधाबाई की कहानी। जोधाबाई, जिन्हें उनके जन्म नाम हीरा कुंवारी और उनकी मांद उपाधि मरियम उज जमानी के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म 1542 में हुआ था। वह कछवाहा राजपूत वंश से थीं, जिनका राजस्थान में आमेर वर्तमान जयपुर क्षेत्र पर प्रभुत्व था। भारत, उनके पिता आमेर के शासक राजा भारमल थे और उनकी मां मारवाड़ के राजा उदय सिंह की बेटी थीं। 1562 में लगभग 20 वर्ष की आयु में जोधाबाई का विवाह सम्राट अकबर से हुआ, जो उस समय लगभग 19 वर्ष के थे। यह विवाह केवल व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि मुगल साम्राज्य और राजपूत साम्राज्यों के बीच एक रणनीतिक गठबंधन था। शक्तिशाली राजपूत शासकों के साथ गठबंधन बनाकर उत्तर भारत पर अपना शासन मजबूत करने के लिए यह अकबर का एक महत्वपूर्ण कदम था। जोधाबाई का अकबर से विवाह मुगल और राजपूत संस्कृतियों के संश्लेषण का प्रतीक था और दोनों समुदायों के बीच सद्भाव को बढ़ावा देने में मदद मिली। जोधाबाई का अकबर से विवाह केवल राजनीतिक नहीं था, इसने सम्राट की नीतियों और विश्व दृष्टिकोण को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह अपनी बुद्धिमत्ता, ज्ञान और परोपकार के लिए जानी जाती थी और उसका प्रभाव शाही हरम की सीमाओं से परे तक फैला हुआ था। जोधाबाई ने मुगल दरबार के सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिससे मुगलों और राजपूतों के बीच विचारों और परंपराओं के आदान प्रदान को बढ़ावा मिला। मरियम उज जमानी के रूप में जोधाबाई का मुगल दरबार में सम्मान किया जाता था। वह परोपकारी गतिविधियों में गहराई से शामिल थीं और कला की संरक्षक थीं। कवियों, संगीतकारों और विभिन्न पृष्ठभूमि के कलाकारों का समर्थन करती थीं। सांस्कृतिक प्रयासों के लिए उनके समर्थन ने अकबर के शासनकाल के दौरान कला और साहित्य के उत्कर्ष में योगदान दिया। जोधाबाई का सबसे महत्वपूर्ण योगदान शायद मुगल साम्राज्य में धार्मिक सहिष्णुता और सद्भाव को बढ़ावा देने में था। उन्होंने अकबर की 16 एकुल सार्वभौमिक शांति और दीन ए इलाही ईश्वरीय आस्था की नीतियों को प्रोत्साहित किया, जिसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच एकता को बढ़ावा देना था। अकबर की धार्मिक नीतियों पर जोधाबाई के प्रभाव ने साम्राज्य के भीतर धार्मिक बहुलवाद और पारस्परिक सम्मान का माहौल बनाने में मदद की। जोधाबाई ने सम्राट अकबर के कई बच्चों को जन्म दिया, जिनमें उनका सबसे बड़ा बेटा राजकुमार सलीम भी शामिल था, जो बाद में सम्राट जहांगीर के रूप में सिंहासन पर बैठा। उनके वंशज पीढ़ियों तक मुगल दरबार में प्रमुख पदों पर आसीन रहे। अपने जीवन के बारे में सीमित ऐतिहासिक रिकॉर्ड उपलब्ध होने के बावजूद जोधाबाई भारतीय इतिहास में एक सम्मानित व्यक्ति बनी हुई है, जिन्हें भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण अवधियों में से एक, मुगल काल के दौरान सांस्कृतिक सद्भाव और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका के लिए मनाया जाता है। उनकी कहानी लोगों को प्रेरित और मोहित करती रहती है और मध्ययुगीन भारत में राजनीति, संस्कृति और धर्म की जटिलताओं के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। जोधाबाई की कहानी आपको कैसे लगा, कमेंट शेयर करके जरूर बताइए और चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए पहले वीडियो पाने के लिए।